नमस्कार, मैं संतोष भगत, आप देख रहे हैं स्वतंत्र सागर न्यूज, आपका स्वागत है। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें विकास दूंगा। चुनाव के दौर में नेता या प्रत्याशी तमाम तरह के वादे और जुमले गढ़ते रहते हैं। इसी प्रकार के हालात होने वाले विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। इसी बीच डिंडोसी विधानसभा से अपक्ष उम्मीदवार विजेंद्र कुमार राय है, इनके कहने में कुछ अंतर है जो इस बार चुनाव मैदान में है। इस बार जीत हासिल हो तो कहते देखा कि डिंडोसी वासियों, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें विकास दूंगा। यहाँ की जनता विकास के लिए लंबे समय से तरस रही है। आइए सुनते हैं विकास की अपील को। स्वतंत्र सागर न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जी, डिंडोसी के लोगों के लिए क्या आह्वान करना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं डिंडोसी वासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूंगा, और इसके बाद मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं डिंडोसी वासियों के बीच में पिछले 30 साल में जो विकास नहीं हुआ है और जो केवल विकास नाम का जुमला रह गया है, मैं उसी के लिए उनके बीच में आया हूं और उनसे यह प्रार्थना करता हूं कि वह मुझे एक मौका दें ताकि मैं जो पिछले 30 सालों में जो सड़कों की खस्ता हालत है, जो ट्रैफिक की समस्या है, या फिर जो पानी की किल्लत है, जो और भी समस्या है, चाहे वो स्लम का है जिसकी वजह से बिल्डरों को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, मैं इन सारी समस्याओं को लेकर उनके बीच में आया हूं ताकि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं और इसके साथ साथ उनके लिए सेवा कर सकूं। देखिए, मेरा चुनाव चिन्ह भी सीसीटीवी कैमरा है, और सीसीटीवी कैमरा भी ऐसा है कि जो सबके ऊपर नजर रखे। मैं यही चाहता हूं कि डिंडोसी वासियों से यही अपील भी रहेगी मेरी कि आगामी 21 अक्टूबर को वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें, चाहे जिसे भी करें लेकिन वोट करें, और यह ध्यान रखें कि वोट उसी को पड़े जो काम करे, उनको ना पड़े जो कभी जीते भी हैं और उन्होंने काम नहीं किया है और वो केवल नाम मात्र का ही रह गया है। मेरा चुनाव चिन्ह है सीसीटीवी कैमरा, और मैं पूरे डिंडोसी वासियों से यही अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 21 अक्टूबर को वोट करें और एक बार उसको जिताएं जो काम करना चाहता है और काम करके देगा। इसलिए भारी संख्या में आप 21 अक्टूबर को अपने मतदान के जगहों पे पहुंचें और सीसीटीवी कैमरा 9 नंबर पे बटन दबाएं और मुझे जिताएं।